सब्सक्राइब कीजिए ट्यूब लेजर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारी नई वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद और आप देख रहे हैं ट्यूब लेजर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप अपनी फैमिली फ़ोटोज़ या अपना कोई भी डाटा, पर्सनल डाटा जो आपका होता है आपके मोबाइल में, तो वो अपनी प्राइवेसी में आप रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि किसी को भी पता ना चले कि मेरा जो प्राइवेट डाटा है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है। अक्सर दोस्तों ऐसा होता है कि जो प्राइवेसी लॉकर्स होते हैं, जो गैलरी को लॉक लगाते हैं, लेकिन दोस्त हमसे मोबाइल मांगते हैं, लेकिन वो फिर भी गैलरी का जो लॉक होता है वो उनका उसका पासवर्ड आपसे ज़रूर मांग लेते हैं। या आपने कोई भी प्राइवेसी लॉकर लगाया हुआ होता है, या चाहे हाइड भी आपने किया हुआ होता है उस लॉकर को, तब भी उनको पता चल जाता है कहीं ना कहीं तरह से। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जिससे किसी को भी पता नहीं चल सकेगा दोस्तों, किसी को भी पता नहीं चल सकेगा कि इस एप्लीकेशन में ये भी इस किस्म का भी हम फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके साथ एक ऐसी कैलकुलेटर एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जिसमें आप अपना प्राइवेट डाटा रख सकते हैं, जैसे कि फ़ोटोज़, वीडियोस और भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे हैं आप इसमें रख सकते हैं, और किसी को पता भी नहीं चलेगा और किसी को बिल्कुल शक भी नहीं होगा कि इसमें इस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं। आपको कोई भी गैलरी लॉकर या कोई भी प्राइवेसी लॉकर आपको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसको इस्तेमाल करने से दोस्तों लोगों को शक भी हो जाता है कि इसमें कौन सा ऐसा डाटा पड़ा हुआ है कि ये इसने हाइड किया हुआ है इसमें, और ऐसा हम देखना चाहते हैं। लेकिन इससे किसी को भी शक नहीं होगा, ना ही किसी को पता चलेगा कि इसमें इस किस्म का भी डाटा आप रख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको यूज़ किस तरह से करना है। इस कैलकुलेटर को आपने ओपन कर लेना है। ये सिंपली वर्क करेगा एक कैलकुलेटर के तौर पर, जैसे ही आप किसी भी सिंपल कैलकुलेटर को अपने मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं तो ये वैसे ही वर्क करेगा। अदरवाइज़ आपने इसको एक दूसरे फीचर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसमें अपने फ़ोटोज़, वीडियोज़ वगैरह इसमें रख सकते हैं। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम इस कैलकुलेटर को ओपन करेंगे तो आपने यहाँ पर एक पासवर्ड आपको डालना होगा। आप कोई भी अपना पासवर्ड चूज़ कर सकते हैं जो आप याद कर सकें। यहाँ पर मैं सिंपली आपको दिखाने के लिए एक पासवर्ड टाइप कर देता हूँ, 1234। जैसे ही आप ये पासवर्ड टाइप करेंगे उसके बाद ये परसेंटेज का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका जो डाटा है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। जो भी आप यहाँ पर आप रखना चाहते हैं तो आप पासवर्ड के तौर पर इसमें पहली बार लगा सकते हैं, उसके बाद अपना जो डाटा है वो यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं और भी यहाँ पर आप अपना डाटा रख सकते हैं। जैसा कि मैं इस पर डिफ़ॉल्ट जो फोल्डर है इस पर क्लिक करता हूँ और इसमें एक ऐड करता हूँ। ये जो दूसरे नंबर पे ऐड का ऑप्शन है, ये 3 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, दरमियान वाला जो ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपकी गैलरी यहाँ पर ओपन हो जाएगी और आपके जो फ़ोटोज़ हैं, जो भी आप इसमें हाइड करना चाहते हैं गैलरी से, आप इजीली हाइड कर सकते हैं। मैं सिंपली ये वाले फ़ोटोज़ यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें ओके कर देता हूँ। तो ये फ़ोटोज़ जो हैं मेरी गैलरी से हाइड हो चुके हैं, यानी कि बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। और यहाँ पर मेरे इस जो कैलकुलेटर है इसमें मुझे शो हो चुके हैं। तो ये काफ़ी अच्छी ऐप है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये एप्लीकेशन ठीक तरह से काम कर रही है या नहीं। जैसे हम इसको ओपन करते हैं, और नॉर्मली आप इसको कैलकुलेटर के यूज़ में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको अपने जो डाटा है उसको देखने के लिए यूज़ करते हैं तो आपको सिंपली अपना पासवर्ड यहाँ पर देना होगा। उसके बाद आपका जो फोल्डर है वो नज़र आ जाएगा। आपको ये देखें जो हमारी पिक्चर्स हैं वो सारी यहाँ पर नज़र आ चुकी हैं। अगर आप इसमें और ऐड करना चाहते हैं तो और भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इनको वापस लेना चाहते हैं तो आप इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, जैसे ही एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये पिक्चर्स चली जाएंगी। अगर आप यहाँ पर ही रखना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको चेक मार्क ख़त्म कर दीजिए और एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दीजिए, तो ये वापस अपनी गैलरी में आपकी चली जाएंगी। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, इसको आप इंस्टॉल कीजिए, अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखिए और आपको जो प्राइवेसी, जो प्राइवेट डाटा है आप इसमें सेव कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की टेक्नोलॉजी और एंड्रॉयड के रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, टेक केयर दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।